सारे भाइयों ने भाई, मेरी नाम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं अभी आया हूं रोहतक। रोहतक में जो मेरे को सर्वे करना है वो करना है महम का, और महम के जो विधायक जी हैं हमारे आनंद सिंह दांगी जी, आज उनके पास आया हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है, एक बार कॉल करते ही सर ने मेरे को टाइम दे दिया, नहीं तो टेंशन हो रही थी, क्योंकि बड़े कदावर नेता है और कांग्रेस में बड़े लंबे समय से हैं और बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। कद्दावर नेता की जब बात आती है कांग्रेस में तो हमारे आनंद सिंह दांगी जी, जब भी मैं कई बार लोकसभा के समय देखता था, दीपेंद्र जी जब कहीं भी जाते थे तो सर साथ में रहते थे, तो इससे पता चलता है कि उनका कद कितना बड़ा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद जी। सर मेरा पहला प्रश्न है, महम से आप कई बार विधायक बन चुके हैं जी, तो अब क्या लग रहा है आगे का समय? आगे का समय भी बढ़िया है, जो हमने कार्य किए हैं लोगों के बीच में रह करके जी, 24 घंटे हर दुख सुख में साथ खड़े होकर के जी, जिस प्रकार की जो लोगों की भावना के अनुसार, जरूरत के अनुसार हर प्रकार से हमने अपने इलाके को डेवलपमेंट दिया है, उसका मतलब यही है कि हम सब मिलजुल करके हमेशा अपने इलाके की बात करते हैं, अपने लोगों की सेवा करने की बात करते हैं, और आगे भी समय हमारा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। दांगी साहब की एक खास बात यह है, मैं कई बार जब कहीं भी जाता हूँ तो लोग ये नहीं कहते कि भी दांगी साहब यहाँ पर आते नहीं। मैं लखन माजरा में कई बार गया हूँ, महम में कई बार गया हूँ, दांगी साहब ऑनेस्टली हर जगह कई बार मैंने देखा है, डोर टू डोर भी उन्होंने किया है। तो दांगी साहब, अब जो लोकसभा का परिणाम रहा, जो जिस विषय पे ये इलेक्शन लड़ा गया, तो क्या उसमें अब थोड़ा सा विधानसभा में तब्दीली होगी उस तरीके को छोड़ के? देखो, लोकसभा का चुनाव भी हमारा बहुत बढ़िया रहा है जी। विशेष रूप से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँगा तो 50% से ज़्यादा वोट, टोटल का 50% से ज़्यादा दीपेंद्र के हक में पड़े हैं, और पिछला जो चुनाव था दीपेंद्र का, उसमें दीपेंद्र की 62,000 के करीब वोट आई थी जी। और अब की बार 69,000 यानी कि 69,000 वोट आई हैं। अच्छा जी। हाँ, तो इसका मतलब हमारे लोगों में हमारे प्रति जो है ना, जो हम जिस प्रकार से उनके साथ मिलजुल के जो डेवलपमेंट का काम किया है, बच्चों को रोजगार दिया है जी, स्कूलों की अपग्रेडेशन का है, नए स्कूल बनाने का है, कॉलेजेस का है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, यानी कि जो भी लोगों की तरफ से डिमांड भी नहीं आई वो भी हमने कम लोगों के लिए करके दिया है, और हर वक्त उनके साथ खड़े होकर के दूसरों के साथ चल करके जो हम करते हैं, लोगों की आस्था हमारे साथ है, भाईचारा हमारे साथ है, और हमेशा हम अपने भाईचारे के साथ हिसाब से काम करते हैं, कहीं राजनीतिक हिसाब से कभी कोई बात नहीं। भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ होती है समाज की, और वो भाईचारा हमें हर प्रकार से आगे बढ़ने में एक दूसरे का साथ और सहयोग मिलता है। ये सच्चाई है, जब लोकसभा का दीपेंद्र जी का जो इलेक्शन रहा है, पूरे इंडिया में दीपेंद्र जी एक ऐसे इंसान रहे हैं जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर भी हारे हैं, ऐसे ही जी? दीपेंद्र हारा नहीं, दीपेंद्र को हरा गया है, और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, आप लोगों भी देखते हैं और सब जानते हैं जी, कि जो बैलेट बोल्ट वोट हैं जी, जी, जैसे मिलिट्री के हैं, सर्विसेज के हैं जी, जी, वो सारे के सारे उनकी गिनती पहले होती है सारी गिनती से पहले। हाँ जी, ऐसा ही होता है। लेकिन स्पेशल एक सेगमेंट में, एक पार्लियामेंट में, दीपेंद्र की पार्लियामेंट में, उसको बाद में रखा गया, और बाद में भी मतलब जो दीपेंद्र की वोट थी उसको ज़बरदस्ती कैंसल करके एक तरफ की वोट रख करके दीपेंद्र को ज़बरदस्ती हराया गया। मैं नहीं मानता कि दीपेंद्र रोहतक से कभी लोकसभा सीट से हार जाएगा, मैं आज भी नहीं मानता इस बात को। कहीं ना कहीं ये लगता है आपको, वैसे मानते तो हो ही नहीं, जब फिर भी कहीं ना कहीं लगता भाई हमारे इलेक्शन लड़ने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी भी रह गई? हो सकता है कमियां, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जात बरादरी का, धर्म का जो जहर फैलाया है जी, उसमें भाईचारे को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया है, भावना भड़का करके एक कम्युनिटी के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की भावना पैदा करके इन्होंने जो समाज को ख़राब करने की कोशिश करी है जी, जी। इसके रिजल्ट आने वाले समय में भाईचारे के हिसाब से बहुत ख़राब होंगे। देखो, हम जब से सृष्टि बसी है जी, जब से 36 बरादरी का भाईचारा एकजुट रहा है, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। कोई भी कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितनी किसी बड़े पद पे हो, कोई राजा महाराजा भी क्यों ना जी, हो जी, जी। वक्त वक्त पर हर तरह के, हर समाज की जरूरत पड़ती है,
जैसे मैं खेती करता हूँ जी, खेती में बो तो दूंगा, मशीन है बोदी, लेकिन उसकी कटाई है, कढ़ाई है, घर पे लाना है, बाजार में बेचना है, उसमें सब के साथ जुड़े हुए हमें। मजदूर की जरूरत पर मजदूर की बात आती है, हाथ से काम करने वाले की, दस्तकार की जरूरत पड़ती है, व्यापारी की जरूरत पड़ती है, दुकानदार की जरूरत पड़ती है, गरीब की जरूरत पड़ती है, ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है हर समय पर जी। तो इस प्रकार से हम हमेशा एक 36 बिरादरी का एक ऐसा जुड़ा हो रहा है जो कभी भी नहीं टूटा, और हम एक दूसरे के बगैर अपना काम भी नहीं चला सकते। लेकिन इन्होंने एक जहर पैदा करके जो ख़राब किया है, इसके परिणाम आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अच्छे नहीं होंगे। मैं पूरे समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ, छत्तीस बिरादरी के भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब बातों को छोड़ करके हम एकजुट करके होकर के चले। वोट कोई किसी की डाले कोई बात नहीं है जी, जी। वोट जिसकी कर्म की बात है, कर किस्मत की बात है, जो अच्छा करेगा, जो लोगों की भावना के अनुसार लोगों से जुड़ कर चलेगा, वो लोग अपने आप अपना साथ अपने भाई को जो भी उनको पसंद होगा उसको देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा है वो इन राजनीतिक लोगों के इस फंडे में ना फंस करके अपने इस भाईचारे को बरकरार रखें, मिलजुल करके अपने हमेशा चलें, और एकजुटता के साथ जो भी कार्य करने का होता है, जो भी काम करने का होता है, और चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम है, उन सब में हम मिलजुल करके चले। जिस प्रकार पहले चला करते, हार जीत पहले भी हुई है जी, लोगों ने छत्तीस बिरादरी के लोगों ने एक तरफ का भी वोट नहीं डाले। आज जाट ने दीपेंद्र को सारे वोट नहीं डाल रखे, दीपेंद्र के वोट लाखों वोट दूसरी बिरादरियों के भी आए हैं। हम बहुत सारे ब्राह्मण हैं ऐसे जो मेरे मैं ब्राह्मणों की कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण की वोट हमारे बहुत ज्यादा है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी, जी। और बाकी मेरे को नहीं पता जी। छत्तीस बिरादरी के लोगों ने लाखों वोट के हिसाब से दीपेंद्र का साथ दिया है। एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे बनिया पंजाबी है, चाहे बैकवर्ड है, कोई भी है, एक अकेला कोई किसी को नहीं आगे बढ़ा सकता। लेकिन इनको भावनाओं में उलझा करके, भावनाएं भड़का करके एक समाज को खराब, इमोशनली गेम खेला गया और उस गेम को एक स्वार्थ पूरा करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए समाज को जो बिगाड़ा गया है वो अच्छी बात नहीं, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो मेरी यही एक अपील है अपने सभी लोगों से कि इस बातों से दूर हट करके छत्तीस बिरादरी के भाई एकजुट एक मन एक भावना से मिलजुल करके हमेशा रहे, प्यार प्रेम से रहे, अच्छे समाज का निर्माण करें, और राजनीतिक लोग बहकावने के करके, बरगला करके, लोभ लालच दे करके, जो इस तरह की बात करके अपना एक शॉर्ट टाइम के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात करते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। ये तो हुई पहली बात, लोकसभा में क्या कुछ रहा, क्या कुछ निष्कर्ष निकला।